मैंने एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी मैंने इस रेसिपी का नाम लेती हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। चलिए आज मैंने इस रेसिपी बना ही लेती हूँ। प्लम के अचार और मूली गाजर के अचार बना रही हूँ। सब कुछ मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया हूँ। अभी मैंने कुछ मसाला तैयार करना है। काली मिर्ची, सरसों, लौंग, जौन, जीरा, अजवाइन, लाल मिर्ची, ये सब कुछ मैंने थोड़ी देर भून लेना है। गाजर और मूली एक साथ मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इमली दिया है। जो मसाला तैयार करा है ना मैंने, वही से आधा कटोरी मसाला लिया है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। सरसों का तेल दिया है मैंने। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी मैंने जो मूली और गाजर का मिक्सर बनाया है ना, वही में थोड़ी टाइम भून लेना है। मेरा अचार हो गया है तैयार। अभी मैंने 1/2 कप व्हाइट विनेगर दिया है, ठंडा होने के लिए थोड़ी टाइम लग देंगे। और एक अचार बना रही हूँ। अचार मेरा फेवरेट है। वो अचार तीखा भी है, मीठा भी है और चटपटा भी है। वो अचार प्लम के अचार है। नमक, 4 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। मैंने ज़्यादा मसाला नहीं डाला है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए। थोड़ी देर में जो मसाला बनाया था ना, वही से 4 चम्मच दिया है।
मसाला अच्छे से भून लेना है। मेरा रेसिपी हो गया है तैयार। देखने में जितनी सुंदर है ना, कहीं ज्यादा टेस्टी भी है। मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।